दर्शकों एक बार फिर से लाइव जुड़ रहे हैं और आप सभी के समक्ष दृश्य साझा कर रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता इस समय पहुंचे हैं जयगांव के यूनियन बैंक के शाखा के यहाँ, और जैसा कि देखा जा रहा है कि यहाँ पे काफी लोग पहुंचे थे और शायद बैंक खोलने की प्रक्रिया में थी, लेकिन इस समय भाजपा के कार्यकर्ता और स्वयं मंडल अध्यक्ष राजेश छेत्री जी यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ पे भाजपा का झंडा यहाँ पे शटर पे लगा दिया गया है। आप देख सकते हैं, ये दृश्य आप सभी के समक्ष साझा कर रहे हैं। जयगांव में अधिकांश जो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे आप मार्केट कहें, आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहें, सुपरमार्केट कहें, सभी बाजार के सभी दुकानें आपको बंद देखने को मिल रही हैं। और साथ साथ में आपको बता दें कि काफी सारी स्कूलों ने भी छुट्टी घोषित कर दिया था सुबह सुबह। हालांकि काफी सारे जगहों पे लोग दुकानें या अपने एस्टेब्लिशमेंट खोलने की प्रक्रिया कर रहे हैं, लेकिन वहां पे भाजपा कार्यकर्ता वहां पे पहुंच रहे हैं और बंद भी करा रहे हैं। लोगों से सहयोग के लिए भाजपा के कार्यकर्ता अपील भी कर रहे हैं, और ये दृश्य आप सभी के समक्ष साझा कर रहे हैं कि इस समय जयगांव के यूनियन बैंक शाखा के आगे भाजपा द्वारा झंडा लगा के इस स्ट्राइक को आगे बढ़ाते हुए बंद रखने का आह्वान किया है। आप सभी के समक्ष दृश्य साझा कर रहे हैं जयगांव के शहीद मेजर दुर्गा मल्ला चौक से, जयगांव के सुपरमार्केट चौपति शहीद मेजर दुर्गा मल्ला चौक से, गोविंद प्लाजा से। और इस समय का दृश्य आप सभी के समक्ष साझा कर रहा है। इसी तरह से और क्षेत्रों से भी आप सभी के समक्ष दृश्य साझा करेंगे। हमारे चैनल के साथ इसी तरह से जुड़ते रहिएगा। कीप वॉचिंग जयगांव मिरर्स। जय हिंद।